हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है मेरे नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे ह्यूंडई की एक नई 7-सीटर एसयूवी के बारे में। इसका लॉन्च वैसे तो अप्रैल एंड में हो जाना चाहिए था, पर कोरोना के कारण ये मई एंड या फिर जून फर्स्ट हाफ में हो जानी चाहिए लॉन्च। आप सभी ने इसका नाम शायद सुन रखा होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ह्यूंडई एल्केज़ार के बारे में। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक हेल्प मांगता हूँ। अगर आपके पास कोई ऐसे टॉपिक्स हों जिन पर मैं वीडियो बना सकूं और आपको इन्फॉर्मेशन दे सकूं, तो प्लीज़ मुझे वो कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिए, क्योंकि कोरोना के फैलने के कारण मैं थोड़े टाइम तक बाहर जाके वीडियोस नहीं बना सकता। तो प्लीज़ आप मेरी हेल्प कीजिए। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। हाँ तो गाइस, ह्यूंडई एल्केज़ार ह्यूंडई की सेकेंड 7-सीटर एसयूवी है इंडिया में। फर्स्ट सेंटा फी थी, जिसको अभी डिसकंटिन्यू कर दिया है। अब एल्केज़ार आई है। इसको काफ़ी सारे लोग, इसके ट्रायल बीम एलईडी हेडलैम्प्स को देखकर जो कि क्रेटा 2020 में दिए गए थे, ये सोच लेते हैं कि ये क्रेटा का ही 7-सीटर वर्जन होगा। पर ये गलत है, ये दरअसल वो मिसजज कर रहे हैं कार को। मैंने भी मिसजज करा था फर्स्ट टाइम में फर्स्ट लुक से, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एकदम नए कंसेप्ट की कार है। एक दो चीज़ें दूसरी कार से ली गई हैं, पर ये किसी भी एक पर्टिकुलर कार पे बेस्ड नहीं है। अगर इसके लाइटिंग सिस्टम की बात करें तो फॉग लैंप्स तो क्रेटा से एकदम अलग टाइप के आए हैं एलईडी में, और ट्रायो बीम एलईडी हेडलैम्प्स जो कि क्रेटा में प्रोवाइड करे गए थे, वैसे ही 90-95% के आसपास मिले हैं। इसमें बस DRLs की स्टाइलिंग और पोजिशनिंग में चेंज है, नहीं तो आपको फर्स्ट टाइम में शायद पता भी ना पड़े कि ये क्रेटा के हेडलैम्प्स हैं या फिर एल्केज़ार के। और इसकी ग्रिल की बात करें तो इसमें 90-95% आपको ह्यूंडई पैलिसेड की ग्रिल मिलेगी। वो एक 7-सीटर ह्यूंडई एसयूवी है जो कि इंटरनेशनल मार्केट में तो लॉन्च हो गई है, पर इंडिया में वो मई 2020 में हो जानी चाहिए थी, पर या तो उसको कैंसिल कर दिया है या फिर बहुत ज़्यादा ही डिले कर दिया है। तो उसकी क्रोम रेडिएटर ग्रिल मिल जाएगी। इसमें हल्का सा क्रोम का यूज़ अलग तरह से किया गया है, और फ्रंट में आपको और 4 पार्किंग सेंसर्स और एक कैमरा मिल जाएगा, क्योंकि इसमें 360 डिग्री सराउंड व्यू मॉनिटर है। और इसके फ्रंट में आपको ऑटो रेन सेंसिंग वाइपर्स भी मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अगर इसके साइड व्यू में चलें तो इसमें 18 इंच के अलॉय व्हील्स आएंगे। क्रेटा में 17 इंच के ही आते हैं। दोनों आरबीएम्स पर इस पर कैमरा जाते हैं जो 360 डिग्री सराउंड व्यू मॉनिटर में होते हैं, और इस पर टर्न इंडिकेटर भी आएगा। और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ऑटो फोल्डिंग एंड रिट्रैक्टेबल इसमें आरबीएम्स मिल जाए। ह्यूंडई ने ये भी क्लेम करा है कि इसके जो बैक पैसेंजर डोर्स हैं वो वाइडेस्ट इन सेगमेंट हैं, तो इससे इन एंड आउट कैबिन में बहुत ईजी हो जाएगा। इसके साथ ही इन्होंने एक फुट रेस्ट भी दिया है दोनों तरफ, जो कि थर्ड रो एक्सेस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो ओवरऑल कार में इन एंड गो में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब कार के पीछे चलते हैं, तो पीछे जो 2-3 नॉर्मल सी चीज़ें हैं, शार्क फिन एंटेना, रियर डिफॉगर, वाइपर और रियर पार्किंग सेंसर्स, रिवर्स पार्किंग कैमरा, ये सब तो कॉमन चीज़ें हैं। इसकी टेल लैंप्स की बात करें तो टेल लैंप्स भी इसमें नए तरीके के आए हैं, और इसमें क्रोम की स्ट्रिप रन कर रही है दोनों के बीच में, एक तरह से कनेक्शन का काम कर रही है। इस पे एल्केज़ार की लेबलिंग आएगी। इसमें फिर पैनोरामिक सनरूफ आ जाएगी, और क्योंकि ये 7-सीटर एसयूवी है, 99.999% चांसेस हैं कि इसके जो थर्ड रो पैसेंजर्स के लिए एसी वेंट्स हैं उनकी पोजीशनिंग रूफ पर होगी, तो इसलिए सनरूफ भी सेकेंड रो तक ही अपना एक्सटेंड रखेगी, उससे आगे इसको एक्सीड नहीं करेंगे। बाहर के जो नॉर्मल पॉइंट्स थे वो मैंने बता दिए। अब कार के अंदर चलते हैं। अब कार के अंदर इसका जो सबसे लो रेटेड पॉइंट है उसकी बात करते हैं, जो कि है थर्ड रो पैसेंजर्स के लिए नी स्पेसिंग। इसमें बहुत कम नी स्पेसिंग आती है। मैंने जब रिसर्च करा तो ऐसा मिला है कि इसमें एडल्ट्स इजीली तो बिल्कुल ही नहीं बैठ सकते, उनको क्रैम्प्ड अप होकर बैठना पड़ेगा। गर्मियों में तो ये फ्रस्ट्रेशन से बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला देता है। ये बच्चों के हिसाब से भी ठीक ठाक स्पेस है, और हेडरूम अच्छा सा मिल जाता है। फिर मिडल रो में चलें तो मिडल रो 7-सीटर में आपको बेंच सीट्स मिल जाएंगी,
और बीच में एक आर्मरेस्ट आ जाएगा नॉर्मल जैसे कार्स में होता है। अगर आपका काम 6 सीटर वेरिएंट में हो जाए तो आप उसको ज़रूर प्रेफर कीजिएगा। इसके 6 सीटर वेरिएंट में मिडिल रो कंसोल आर्मरेस्ट आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। कंसोल आर्मरेस्ट यानी जैसे ड्राइवर और को ड्राइवर के लिए मिडिल रो सेंटर कंसोल आर्मरेस्ट है वैसा, तो इसमें बहुत कम पॉसिबिलिटी है, एकदम इतनी सी पॉसिबिलिटी है कि इसमें वायरलेस चार्जर आ जाए, पर इसकी श्योरिटी कोई नहीं दे सकता। और ये 6 सीटर वेरिएंट के लिए मैं आपको इसलिए प्रेफर कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी कार्स में जैसे मराठो हो गई, उनमें 6 सीटर वेरिएंट में आपको केवल फोल्डिंग वाला ऊपर वाला सा जो आर्मरेस्ट है वो आ जाता है सीट से कनेक्टेड। तो उसकी जगह अगर आपको ऐसा कंसोल आर्मरेस्ट मिल रहा है वो एक बहुत ही अच्छी चॉइस है। फिर इसके एसी की पोजिशनिंग की बात करें, या तो जो ड्राइवर को ड्राइवर का सेंटर कंसोल आर्मरेस्ट है या तो उसके रियर एसी वेंट्स आ जाएंगे या तो साइड में आ जाएंगे। इसके सीट्स की बात करें तो सीट्स में इसमें पॉसिबिलिटीज़ हैं कि क्रेटा वाली सीट्स आ जाएं, जो ब्लैक और वाइट या ब्लैक और बेज कलर की हैं वो वाली आ जाएं। इसे क्रेटा के मैंने 2 वीडियोस बना रखे हैं, दोनों की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर रहा हूँ, आप उनको भी देख लीजिएगा। फिर गाड़ी के फ्रंट में चलें, फर्स्ट सीट्स में, तो इसमें चांसेस हैं कि या तो डीकट स्टीयरिंग व्हील मिल जाएगा, नहीं तो अलग टाइप का मिलेगा, तो क्रूज कंट्रोल, इंफोटेनमेंट स्क्रीन के कंट्रोल्स वो सब तो मिल ही जाएगा। इसमें 10.25 इंच की इंफोटेनमेंट स्क्रीन ही आएगी जो ह्यूंडई की बेस्ट है, इन्होंने 2020 अपग्रेड ऑफ क्रेटा एंड i20 दोनों में यही स्क्रीन दी है। इसमें ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, ऑटो डिमिंग IRBM, वायरलेस चार्जर, चार्जिंग पोर्ट्स वगैरह जो नॉर्मल सी चीज़ें हैं वो सब तो मिल जाएंगी। स्टोरेज की इसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए अगर कार की साइज को देखें तो। अब जो प्रोडक्ट आएगा वो है, ऐसे अगर आपने YouTube पर पहले सर्च करा हो तो आपको कैमोफ्लेज व्हीकल्स के ड्राइव रिव्यूज मिल रहे होंगे, पर वो भी असली प्रोडक्ट नहीं है। अभी जो उन्होंने कार चलाई उसमें भी बदलाव होंगे, थोड़े एडिशन होंगे, सब्ट्रैक्शन होंगे, सब हो हुआ के जब कार लॉन्च होगी तब फाइनल प्रोडक्ट का पता पड़ेगा। अभी उन यूट्यूबर्स को भी नहीं पता कि फाइनल प्रोडक्ट क्या है। और बाकी इसमें फ्रंट रो वेंटिलेटेड सीट्स आने के भी बहुत ज़्यादा ही चांसेस हैं, एम्बिएंट लाइटिंग, और जैसे क्रेटा में टॉप वेरिएंट में स्मार्ट एयर प्योरीफायर मिला था वैसा इसमें भी मिल जाए। और इसमें फ्रंट सीट्स की एडजस्टमेंट की बात करें तो इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट ही आएगा सीट्स का। इसमें 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो ड्राइवर को ड्राइवर का रेशियो या तो 10:8, 8:8 या 8:6, इस रेशियो से ना नीचे जाएगी ना ऊपर जाएगी। कार के अंदर का मैंने जितना भी बताया, एक तो जो 100% चीज़ें हैं जैसे एसी वगैरह का वो मैंने आपको बता दी, बाकी इसमें जो भी मैंने एंटिसिपेट करा है, अंदाज़ा लगाया है, फाइनल प्रोडक्ट अभी किसी को नहीं पता है। तो अभी जितना मुझे पता था और जितना मैंने अंदाज़ा लगाया वो मैंने वीडियो में मेंशन कर दिया है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए, मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने व्यूज़ और जो टॉपिक्स मैंने स्टार्टिंग में कहे थे उन्हें कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। आज का कारपेट, दुनिया की 2 मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज कौन सी हैं, इंडिया और चाइना, जो कि अपने नेबरिंग कंट्रीज हैं अपन दोनों ही, और इनकी पॉपुलेशन का टोटल कहने तो अमेरिका की पॉपुलेशन से तो आराम से डबल ट्रिपल तो हो गई। अमेरिका में दुनिया का आधे से भी ज़्यादा गैसोलीन यूज़ होता है, मतलब यहाँ पर टोटल पॉपुलेशन है पर अमेरिका में आपको सबसे ज़्यादा गैसोलीन पावर का कंजम्पशन मिलेगा। दैट्स सो स्ट्रेंज। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।